फ्रेंड्स, हम बनाएंगे आज बटर पेपर, क्योंकि जब भी हम केक बेक करते हैं तो हमें केक मोल्ड में बटर पेपर लगाना ही पड़ता है ताकि केक हमारा बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाए और केक नीचे से बिल्कुल चिपकता भी नहीं है। अभी चल रहा है लॉकडाउन और सबके पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है केक बनाने के लिए, तो ये वीडियो पूरा देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो उसके लिए हमने लिया है ये पेपर, ये नॉर्मल वाली ही पेपर है जो हम घर में बच्चे यूज़ करते हैं, वही पेपर है। और जितना भी आपको बनाना हो उन सारे पेपर को आप एक साथ रख सकते हैं, 3, 4, 5 जितना भी आपको बनाना है। मैं अभी सिर्फ 2 ही पेपर का बना रही हूँ। और हमने लिया है ये रिफाइंड ऑयल जो हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ऑयल हमने वही ऑयल लिया है। और इसे अच्छे से ब्रश से हमें पूरे पेपर में लगा देना है। अगर आपके पास ब्रश नहीं है लगाने के लिए ऑयल, तो आपके पास जो कॉटन है उस कॉटन से भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। कॉटन को तेल के में डिप करके उसे अच्छे से निचोड़ लीजिए, उसके बाद आप पेपर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे से हो जाता है उससे भी। ये देखिए, हमने पूरे बटर पेपर में, ऊपर वाला जो बटर पेपर है उसमें हमने अच्छे से ऑयल लगा लिया है। और उसके बाद जो नीचे वाला पेपर है, ऊपर वाले में तो अच्छे से लग गया है, लेकिन जो नीचे वाला है उसे हम वापस उसके ऊपर रख देंगे पहले वाले के ऊपर, और उसे भी अच्छे से हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि बहुत अच्छे से ऊपर और नीचे दोनों पेपर हमारा ऑयली हो जाए। ये देखिए, हमने कर लिया है, बहुत अच्छे से ऊपर नीचे दोनों पेपर ऑयली हो गया है। ये देख लीजिए, अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे से लग गया है ऑयल पूरे दोनों पेपर में। अब हम इसे कोई भी कॉटन का कपड़ा लेंगे, ये देखिए, और उसे अच्छे से हम ऑयल को सुखा लेंगे। अगर आपके पास टिश्यू पेपर है तो आप टिश्यू पेपर से भी कर सकते हैं। अच्छे से हमें ऑयल को निकाल लेना है, ऑयल को सुखा लेना है कपड़े के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपचिपा नहीं रखना है हमें। ये देखिए, हम अच्छे से कर लेते हैं, इसे सुखा लेते हैं। और उसके बाद आप इसे अच्छे से फोल्ड करके रख भी सकते हैं, जब भी आपको यूज़ करना हो तो आप उसे निकालिए और यूज़ कर लीजिए। आप इसे अच्छे से रोल करके और किसी भी पेपर में इसे मोड़ दीजिए, और उसके बाद आप रबड़ लगा के उसे रख सकते हैं अच्छे से। ये देखिए, तैयार हो गया हमारा ये बटर पेपर, बिल्कुल मार्केट वाला बटर पेपर तैयार हुआ है। आप जब भी केक बनाइए तो आप इसे कट कीजिए और अपने केक मोल्ड में लगा लीजिए, और बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसा हम मार्केट से बटर पेपर लेकर आते हैं। और इसे लगाने का भी एक तरीका होता है, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। जब भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ये देखिए, आप पहले ऐसे रोल करके और इसके ऊपर एक दूसरा पेपर रखिए और उसे अच्छे से रैप करके रख दीजिए। ये देखिए, जब आप पैसे कट करते हैं तो उसके किनारे जब हम पेंसिल से जो निशान बनाते हैं, हमें निशान के अंदर ही इसे कट करना होता है, निशान के बाहर हमें कट करना नहीं होता है। मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ, तभी एक बराबर अच्छे से साइज हो जाती है उसके अंदर होने वाली जो लाइन देख रहे हैं ना आप, उसके अंदर ही हमें इसे कट करना है, लाइन के ऊपर जस्ट हम कट नहीं करेंगे। ये देखिए, मैं लाइन के बाहर, पूरी लाइन उसमें ही रह गई है बटर पेपर में ही, ये देख सकते हैं आप। और इसे हम अपने केक मोल्ड में लगा देंगे। ये देखिए, हो गई ना तैयार आपकी बिल्कुल मार्केट वाली बटर पेपर। अभी झंझट बिल्कुल नहीं है कि आपके पास बटर पेपर नहीं है, आप वीडियो को देखिए और बटर पेपर घर पर बनाकर तैयार कीजिए। और ऐसी इजी, यूनिक और हेल्दी कुकिंग के लिए देखते रहिए गोकुल किचन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।